अर्चना चंद्रा ने लिखा है, शरीर में अगर कोई भी परेशानी होती है, इवन अगर हेडेक ही है, तो आसपास सब कल्प्रिट नज़र आते हैं, थॉट्स भी सब वैसे हो जाते हैं, क्या करें। हो जाता है, शरीर में परेशानी हो तो थोड़ी मन में भी परेशानी आती है और व्यक्ति थोड़ा उपद्रव करना चाहता है। ये सब भी हमारी कंडीशनिंग है और हमारी जो बचपन से ट्रेनिंग चली आ रही होती, प्रोग्रामिंग चली आ रही होती, उससे निकला हुआ सारा ये मामला है। लेकिन आप अपना ढंग बदल सकते हैं, ढंग बदलिए। परेशानी आपको है तो दूसरे को परेशानी में क्यों डालें। अब ये लगता है ना, मेरा सिर दर्द हुआ तो दूसरा अभी क्यों शांत बैठा हुआ है, खुश है, तो नहीं सिर दर्द तो उसे झगड़ा ही करके सिर दर्द दीजिए। ज़िंदगी में देखिए, एक बड़ी अजीब सी टेंडेंसी है, निगेटिव टेंडेंसी है, कि मेरी पूँछ कटी तो दूसरे की भी पूँछ कटे। यानी कि अगर मैं दुखी हूँ तो दूसरा भी दुखी हो। अब दूसरा खुश है तो तुम खुश रहो, कम से कम वहाँ से खुशी की किरण तो तुमको दिखाई दे रही है। कोई बात नहीं, सिर दर्द है, आपको जो दवा वगैरह खानी होती है वो खाइए, नहीं खानी है तो मत खाइए, आराम से लेटिए, सोइए, जो करना है करिए। परेशानी है, मन खिन्न होता है, अब आई है तो जाएगी, कहाँ टिकती है, कोई चीज़ हमेशा तो टिकती नहीं। तो इसलिए अपना ढंग केवल बदलना है। शारीरिक परेशानियों पे ये नहीं सोचना है कि ये क्यों आई, आती है, शरीर है तो आती, मेरे सिर दर्द होता है कभी कभी, होता है तो बहुत भयंकर होता है, मैनेज किया जाता है, मुझे तो दवा खानी पड़ती है, मैं खा लेता हूँ शांति से। कई बार पता भी चलता है आसपास के लोगों को कि सिर दर्द है, कभी कभी नहीं पता चलता है। ये तो अपने ऊपर है कि हम उसको कैसे हैंडल करते हैं। और ये बात तय है कि जब आप पीड़ा में होंगे तो कुछ काम करने में मन नहीं लग सकता है, तो कोई बात नहीं, मत करिए काम, थोड़ा आराम करिए। ज़िंदगी में कभी कभी आराम भी करना चाहिए, विश्राम करना चाहिए, तो सहजता से लीजिए और अपना बस केवल एटीट्यूड बदलिए। Thank you.